मुंबई कारपोरेशन से कमिश्नर मिस्टर परदेसी साहब ने शायद वह ऐलान किया है कि जिनकी भी डेथ होगी, चाहे वो किसी भी रिलीजन के होंगे, उन सबको जलाया जाएगा। मैं बहुत अदब के साथ कहना चाहता हूं कि जितनी चीज टॉलरेट करने की वो हम जरूर करेंगे, जितने एहतियात है जरूर की जाएगी, लेकिन मैं देख रहा हूं कि ये डेथ सिर्फ इंडिया में नहीं, ईरान एक मुस्लिम कंट्री है, सऊदी अरब, दुबई, कुवैत, यानी पूरी दुनिया में आज ये वबा फैली हुई है। क्रिश्चियन लोग भी अपने डेड बॉडी को जलाते नहीं है, वो भी अपने बॉडी को दफन करते हैं, तदफीन होती है उसकी। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि इस जो एडवाइजरी जारी हुई है इसके लिए इसे वापस लिया जाए। हॉस्पिटल से डेड बॉडी को जिस तरह से पैक करके देंगे, जितने प्रिकॉशन लेना बताएंगे वो सब किया जाएगा। जब मस्जिदों में नमाज पूरी दुनिया में बंद कर दी गई क्योंकि प्रिकॉशन था, ये एहतियात जरूरी थी, उस पर सारी दुनिया ने इस पर माना, और यहां तक कि हरमैन शरीफैन, मक्का और मदीना की मस्जिदों में भी पब्लिक की नमाज आज बंद हो चुकी है। तो इसलिए मैं सरकार से पुरजोर अपील कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं कि ऐसी घड़ी में ऐसा फैसला मत कीजिए कि जो नाकाबिले कबूल हो। इन डेड बॉडियों को पूरी प्रिकॉशन के साथ डॉक्टर्स की जो भी एडवाइस होगी, म्यूनिसिपलिटी की एडवाइस होगी, जिस तरह से पैकिंग करके देंगे उसी तरह से, लेकिन उससे कब्रिस्तान में दफन करने के लिए ही परमिशन दिया जाए, ये मेरी मांग है। और मैं नहीं समझता कि हम अपने डेड बॉडी को जलाने का किसी तरह से भी सरकार इजाजत देंगे, ये काबिले कबूल नहीं हो सकता।